विजन एम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइन्स अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं NPTV इंडिया। मैं सुशील पाल आज लेकर आया हूं आपको वार्ड नंबर 21 में। वार्ड नंबर 21 से वार्ड पार्षद हैं मोहन लालवानी, भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं, वार्ड के पार्षद हैं, वार्ड के काम भी कर रहे हैं। कौन बनेगा मेयर शो में हम हर वार्ड में जा रहे हैं, जाकर वहाँ की असलियत को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड पार्षद ने क्या काम अपने कार्यकाल में किया है। वार्ड 21 में घूमते घूमते हमें वार्ड के एक वासी मिले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है, सब्जी बेचता हूँ 21 वार्ड में। वार्ड नंबर 21 में ये सब्जी बेचते हैं इसी रिक्शा पर? हाँ, इसी रिक्शा पे बेचता हूँ। तो देखिए तकनीक कैसे बदल रही है, वार्ड के अंदर घूमते हैं हरीश जी और इसी ई रिक्शा के ऊपर सब्जी देने जाते हैं लोगों को, घर घर बांटते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ जी, आपके वार्ड पार्षद का 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। क्या काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया, सड़कें वगैरह निर्माण किया, हैंडपम्प लगाना, नाली वगैरह बनाना, सब ध्यान रखते हैं। मैं अभी घूम रहा था गली के अंदर तो मुझे दिखाई दिया कि कुछ गलियां हैं कच्ची पड़ी हुई हैं, खुदा हुआ पड़ा है गार्डन में, देखो घास ही नहीं है आपके। नहीं लगता आपको होनी चाहिए? हाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन काम बहुत अच्छा किया है। अच्छा कितने समय से सब्जी बेच रहे हो आप? मेरे को यहाँ पर 15 साल हो गए हैं। धंधा कैसा चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, लोग खरीदते हैं। हाँ खरीदते हैं, मतलब सब्जी का एक नया तरीका आपने निकाल लिया कि ऐसे आप गाड़ी पे जाओ और घरों में। हाँ जी हाँ जी। कितने कमा लेते हो रोज? रोज के बच जाते हैं 500-600 रुपये। 500-600 रुपये कमा लेते? हाँ डेली के। ई रिक्शा है ये? ई रिक्शा है। पेट्रोल वाली गाड़ी पे क्यों नहीं जाते? नहीं अपन को ये बढ़िया है ना, बिना गियर की गाड़ी बढ़िया, सस्ता सुंदर टिकाऊ, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं हो है। तो वार्ड नंबर 21 में हम घूम रहे हैं। हाँ। वार्ड नंबर 21 में घूमते घूमते हमको ये शख्स मिले हैं, सब्जी बेचते हैं ई रिक्शा पर और मुझे लगता है कि पर्यावरण को बचाने में ऐसे लोग अहम योगदान निभा रहे हैं। चलिए अब आपको यहाँ का गार्डन दिखाते हैं। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477733। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो में और वार्ड 21 में इस वक्त हम घूम रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर गार्डन की क्या स्थिति है, किस तरीके से यहाँ के वार्ड पार्षद मोहन लालवानी रोडों के आप काम कर रहे हैं। आप बता रहे थे कलर कर रहा हूँ। इस कॉलोनी में रोडों के पोल सारे कलर हुए हैं, येलो कलर के हो रहे हैं और उन पे आप देखेंगे बाकायदा किसी महापुरुष का ही नाम लिखा होगा। अच्छा। हाँ सभी महापुरुषों के अपने पोल के ऊपर नाम लिखवाया हमने। वो भी ये भी देखो जो भी ये काम है ये जन सहभागिता से हुए हैं, जनता की भागीदारी के साथ में काम हो रहा है। अच्छा ADA का जिक्र आ रहा था ब्रेक से पहले, हम ADA का जिक्र कर रहे थे तो मैं जानना चाहूँगा जैसे कि ये नाला है, नाले का जो क्षेत्र है शायद ADA के अंतर्गत ही या निगम के पास है? निगम के पास ही है। इसके लिए भी लेटर दिया हुआ था और आपने देखा होगा कि अभी मैंने जो लेटर उठाया था उसमें यही नालों के लिए ही दी थी मैंने। और इनमें भी अगर नाले इनको पक्का करके और छोटा करके जो गायें घूमती है ना, आप इनके लिए एक बैठने के लिए आप वो बना दो चैम्बर और लोगों को एक स्पेस छोड़ दो उनके लिए, वो डालना है और उसको बना दो और वहाँ कर उसके लिए खाली उस पर ही हो जावे तो आपके वहाँ पे चारों तरफ गायें भी नहीं आएगी और साफ सफाई भी रहेगी। और पर वो ये सुझाव तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है ये सुझाव बेहतरीन है कि नाले का जो स्पेस है उसके ऊपर के जगह को पक्का कर दिया जाए और वहाँ पर गाय को बैठा दिया जाए, चारा किसी को डालना है वार्ड में तो वहाँ पर आकर डाले। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, ADA की बात हमारी चल रही थी, आपको लगता है? हाँ कोई बात नहीं, हम यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। ADA के अंदर पार्षदों की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पार्षद जनता के लिए काम करता है, अगर भागीदारी रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी अभी जैसे हम संस्कार कॉलोनी से आए थे, इधर से संस्कार कॉलोनी से आए थे तो वहाँ पे सारे ADA के थ्रू से ये सारे प्लॉटिंग वगैरह तो होना चाहिए, लोगों के काम तो पड़ते ही है ना ADA में भी। शिवशंकर हेड़ा जी
आप ही के भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो अध्यक्ष रहे इतने समय तक, उन्होंने काम कराया आपके वार्ड में? हाँ, काम कराया ना मेरे वार्ड में। मैंने वो जो साईं बाबा के यहाँ आपने नाला देखा था ना, पार्क के पास में, तो वो उनसे ही सेंक्शन कराया था, जो वसुंधरा राजे जी ने पास करके गई थी 45 लाख का, लेकिन उनमें 25 लाख रुपये का लागत से वो नाला बना था, लेकिन 20 लाख रुपये अभी भी उसमें सेविंग है। उसके लिए भी मैं अभी एडीएम में जाके वहाँ से संपर्क करूँगा, तो जैसे अपन को जो आसपास का एरिया है उसको पक्का कराया जाए, डेवलप कराया जाए। आपके वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी की ज़रूरत नहीं लगती आपको? क्योंकि मुझे लगता है कि है नहीं शायद। बिल्कुल, आप बात करना चाहो तो कर लो। ओके, सवाल से पहले वार्ड के लोगों से कुछ बातचीत कर लेते हैं, जो दुकान वाले हैं इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनके वार्ड की स्थिति और पार्षद साहब का कार्यकाल कैसा है। तो लोग हैं, इनसे हम जान लेते हैं। भैया, दुकान आप ही की है? जानते हैं कौन है? पार्षद साहब है ना। अच्छा, इनका कार्यकाल कैसा है 4.5 साल का? बढ़िया, फर्स्ट क्लास काम किया इन्होंने। बिल्कुल काम किया, हमारे खूब काम करे, खूब किया बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सफाई की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल बढ़िया, जब बोलते जब कर लेते। अच्छा, कोई ऐसा काम है जो करना चाहिए इनको अभी और अधूरा रह गया हो, आपको लगता है कि होना चाहिए? नहीं नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है, हमारा जो काम थे हमने तो बोलते थे हम करके जाते हैं, ये कर देते हैं बिल्कुल। चलिए, जब भी बोलते जब कर लेते हैं। बाबूजी हैं एक, बाबूजी इसी वार्ड से आप जी? इसी वार्ड से? हाँ, इसी वार्ड से। हाँ, जानते हैं ना पार्षद साहब? हमारे पार्षद साहब हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको आपके वार्ड में CCTV की ज़रूरत महसूस होती है क्या? ज़रूरत तो है। है? होनी चाहिए? होनी चाहिए। डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इनका कार्यकाल कैसा रहा 4.5 साल? बहुत अच्छा, बढ़िया। अच्छा रहा? बढ़िया। कोई कमी पेशी रह गई हो? नहीं नहीं नहीं, हम संतुष्ट हैं इनसे। संतुष्ट है? बिल्कुल बढ़िया। वार्डवासी हैं, कह रहे हैं कि इनके काम से संतुष्ट है। हालांकि कई बातें ऐसी भी हैं जो लोगों को अपने वार्ड पार्षद से उठानी चाहिए, जैसे कि हमने देखा है कई वार्ड के अंदर CCTV लगे हुए हैं, कई में नहीं है। बहुत सारे अजमेर में ऐसे वार्ड है जहाँ CCTV नहीं है, और अजमेर शहर के अंदर इस बार के नगर निगम चुनाव के अंदर CCTV, गार्डन और डिस्पेंसरी का जो मामला है वो मुझे लगता है कि चुनावी मुद्दा ज़रूर बनना चाहिए। चक्की की दुकान है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आटा पिसाया जा रहा है चुनाव में, इस तरीके से गेहूँ और आटा पिसाया। बाबू जी इनको जानते हैं क्या? हाँ जी, हाँ भाई साहब जानते हैं। इनका कार्यकाल कैसा है 4.5 साल? बढ़िया 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 बढ़िया। कोई परेशानी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत? कोई शिकायत? कोई शिकायत? बढ़िया, दोबारा से आ जाए। हाँ बढ़िया बढ़िया, आराम से आ जाए ना भाई साहब। चलिए, लोग हैं, लोगों की प्रतिक्रिया है, कौन बनेगा मेयर शो में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे आपको कुछ और लोगों से भी मिलवाते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477733। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mohan Lalwan ji hai hamare, Parshad ji. Inka karyakal kaisa hai 4.5 saal ka? Bahut acha hai. Acha hai, badhiya hai. Bahut bahut acha hai. Kaam kiya hai inhone? Bahut acha kiya hai. Jinne koi kaam aisa hai jo hona chahiye aur aapke ward mein jo nahi ho paya? Sab kaam kiya inhone. Sab kaam kiya? Sab. Koi shikayat nahi hai? Nahi, koi bhi shikayat nahi hai. Bahut acha hamare Parshad ji hai. हम डिस्पेंसरी के ऊपर थे कि वार्ड के अंदर आपको लगता है कि वाकई डिस्पेंसरी ऐसी सुविधाएं भी होनी चाहिए। हम संस्कार कॉलोनी के यहाँ अभी हम चले थे, उसके बिल्कुल अटैच में ही डिस्पेंसरी है, हालांकि वो अपने वार्ड में नहीं आती, वार्ड 18 में आती है, तो बिल्कुल अटैच में है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी डॉक्टर न के बराबर हैं और उनकी ड्यूटी RC यादव जी हैं, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं वो सरकार की तरफ से, तो आज इस ट्रेनिंग में गए, आज उस ट्रेनिंग में गए, वो परेशान होते रहते हैं। मैंने इसके लिए भी CMHO साहब को भी एक लेटर लिखा था और हमारी विधायिका उसे भी
मैंने इसकी शिकायत करी थी। हाँ, और इसके अलावा एक डिस्पेंसरी और डिस्पेंसरी एक आप अपने अभी जो चंद्रवदाई स्टेडियम के सामने, ये पहले चंद्रवदाई में बन रही थी। अच्छा, उसके लिए भी मैंने विधायक महोदय को लेटर दिया था कि भाई इसका ऐसा स्पेस करा जाए जैसे कि ये इस वार्ड में भी रहे और सब आसपास के सभी वार्डों में उसमें उसमें आप यहाँ रोक लो, यहाँ पर लोगों से बात कर, लोगों से कुछ बात करा देते, बात कर लेते हैं आप लोग, जैसे सभी वार्डों में उसका फ़ायदा हो उसके लिए। तो फिर मैडम ने काफ़ी ढूंढ डांड के फिर बाद में ये अपने चंद्रवदाई स्टेडियम के सामने उन्होंने वो जगह को चिन्हित करा और वहाँ पे अभी देखो आप देखेंगे ना तो 23 नंबर वार्ड के लिए भी अच्छा है, 21 नंबर के लिए भी अच्छा है, अब 24 नंबर के लिए अच्छा है, 20 नंबर के लिए, चारों तरफ में और वो बीच में आ गई है। तो अगर उसमें सुविधाएँ और बढ़ जावे सेटेलाइट हॉस्पिटल की तरह, हालाँकि नाम सेटेलाइट हॉस्पिटल लेकिन अभी उसमें पूरे डॉक्टर्स बैठते नहीं हैं और दवाइयाँ वो भी अभी जनसंपर्क तरह से चल रही है वो भी। अच्छा हाँ, तो अगर उसको भी अच्छा उसमें विस्तार किया जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे आदेश नगर में अच्छी चल रही है वैसे इसका भी विकास होना चाहिए। चलिए, इसका भी विकास होना चाहिए। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या है, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाली देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477733। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर। ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार बालानी। अच्छा, ये आपके पार्षद साहब का 450 का कार्यकाल कैसा है? बहुत अच्छा रहा भाई साहब, सबको ईमानदारी से सहयोग किया है। क्या खाली ऐसा नहीं कि पार्षद साहब सामने खड़े हैं जो इस ऐसा तथ्य है, लेकिन फैक्ट बात है, इससे पहले वाले भी पार्षद रहे लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी हम लोगों की ख़राब की है। शब्द बिल्कुल क्लियर लिख लेना। क्या कांग्रेस के थे लेकिन उन्होंने ऐसा ज़िंदगी सबकी, कभी भी किसी कार्य के लिए जाते भाई साहब आ जाना, शब्द हाँ किए लेकिन काम कभी नहीं हुआ। लेकिन इस 4.5 साल में जो ईमानदारी से बीजेपी के राज में काम हुआ है वो जीवन में कभी नहीं हुआ, ये सत्य है। सफाई की, पानी की, हर बात की भाई साहब। रात को 2 बजे भी उठ के इनके पास कोई समस्या पूछने चले जाए, जबकि पार्षद से किसी चीज़ का शायद नहीं भी कंसल्ट हो तो भी भाई साहब अपना घर छोड़ के उस काम को करने आते हैं, ये सत्यता है। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, परमात्मा करे इसके बाद भाई साहब आने वाले जब तक जैसे मोदी सरकार जीवित भर चले ना, जब तक हमारे मोदी जी जीवित रहे तब तक सरकार मोदी सरकार चले ना, वैसे हम चाहते हैं कि भाई साहब इनकी भी भाई साहब पार्षद एज इट इज़ चलते रहे, बिल्कुल लालवानी साहब चले, बिल्कुल तथ्य। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकिशन। अच्छा ये बताइए, आपके पार्षद साहब का 4.5 साल का कार्यकाल क्या? बहुत शानदार, गोल्डन पीरियड रहा। मैंने तो 40 साल में इतने पार्षद देख लिए, कभी मजा नहीं आया हमें। मजा नहीं आया 40 साल में? आपने वार्ड की अपनी बदसूरत तस्वीर भी देखी होगी और अभी की तस्वीर में कितना फर्क आया? बहुत बहुत, रात दिन का फर्क हुआ काम बहुत बहुत। अभी जो सफाई ना, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं 4 सालों में सफाई नाम की कोई चिड़िया होती है। अच्छा, नहीं तो पहले कमल बाग बजा जी थे, उनके पास पहुंच जाते थे थोड़ी बहुत हो जाती, वो 2 दिन होती फिर वही। अभी स्थिति सही है? अभी बहुत, अभी कभी नहीं भी होती है तो दादा को फोन लगाया आ जाते सफाई वाले बेचारे। अभी रेगुलर सफाई हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलर सफाई हो रही है, नियमित बिल्कुल डेली की डेली टाइम पे नाली का भी सफाई हो जाता है। अच्छा पानी या बिजली तो इनका काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी पानी नहीं आया तो दादा को बोले दादा पानी नहीं आया, दादा पानी जल्दी बहुत जल्दी से आ रहा है, 5:30 का टाइम करा दिया, नहीं तो 5 बजे नींद से उठाते थे पानी के लिए। तो यानी कि आप वार्ड की सफाई व्यवस्था से बहुत खुश? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत व्यवस्था तो ये पहले 4 साल में करा, मैं 42 साल रह रहा हूँ, मैंने 8 पार्षद देखे 77 में आया, उसके बाद से जो भी पार्षद देखे कोई काम के बीच में लूंगा नहीं साहब जरूर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश है। आपके पार्षद साहब का 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। मैं चाहूँगा कि हर वार्ड में ऐसा ही पार्षद हो जिससे हर वार्ड का विकास हो। बहुत अच्छे पार्षद हैं हमारे, बहुत लगन से काम करते हैं और हर पब्लिक का, हर घर में कोई भी कुछ भी एक शब्द ही बोलते हैं उन पर पूरा ध्यान दे करके उनका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है,
इवन संडे को भी कर्मचारी छुट्टी होती है, लेकिन ये स्पेशल कर्मचारी को बुला करके सारी रोडों की, मेन रोड की सफाई कराते हैं, इतना सफाई का ध्यान रखते हैं। इससे पहले के पार्षद इनके कार्यकाल में फ़र्क कोई बड़ा? बस मैं पहले के पार्षदों से मैं कंपेयर नहीं करूँगा, वो अच्छा भी नहीं लगता है, और मेरे को आज के पार्षद से मतलब है, और मैं चाहूँगा कि हमारे वार्ड में और अजमेर के हर वार्ड में हमारे पार्षद मोहन लालवानी जैसे ही हर पार्षद ऐसे आए और ऐसा ही काम करें। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477733। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो में, और वार्ड 21 के अंदर इस वक्त हम घूम रहे हैं। पार्षद साहब, ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आपके वार्ड में CCTV कैमराज भी होने चाहिए सब जगह से? CCTV कैमरे के लिए तो हालांकि एक दो वार्डों में निगम के लगे हैं, लेकिन यहाँ पे रोडों की हालत ऐसी थी तो इसलिए अपन ने अब तक तो नहीं कराया था, लेकिन अगर कोई और फंड आ जाता है तो उसमें मैं भी ये CCTV कैमरे की करूँगा उसके लिए भी। हालांकि यहाँ पे भी सामने पोल लगा था अभय कमांड का, और अजय नगर के एंट्रेंस पे भी लगा था, पोल लग गए हैं लेकिन उसमें कैमरे नहीं लगे हैं। अजय नगर के एंट्रेंस में दो जगह लगे हुए हैं लेकिन अभी तक वो नहीं लगे हैं। यहाँ पे भी अभी तक वो लगे नहीं लगे हुए हैं, तो पोल लग चुके हैं, उन्होंने बीच में बोला था, और एक यहाँ लगने वाला था, यहाँ पर भी नहीं लगा अभी, यहाँ पर भी नहीं लगा। हाँ, अच्छा, आप कुछ राजनीतिक बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र गहलोत के ऊपर, जो मेयर है, उनके ऊपर एक आरोप लगाया आप ही के, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चंद्रेश सांकला ने, तो ये लिफाफे कांड में सच्चाई कितनी है? कोई वाकई लिफाफा मिलता है क्या? वही मैं बोल रहा हूँ कि उस समय हम भी एकदम अचंभित हो गए। हमने भी सुना, घर वाले भी बोले ये कौन सा मैटर है। मैंने, मेरे को भी खुद को बतानी है, तो उस समय हमने तो उनका बहिष्कार करा, इसलिए क्योंकि देखो आपका उनसे और वालिया जी का उनसे क्या झगड़ा है। इधर से चलते तो हाँ, तो आपका उनसे क्या झगड़ा है, लेकिन आप उसके बीच में हमारे को, आप उनसे क्या लिंक है वो आप जानो, लेकिन हमारे को उसमें क्यों बीच में डाल रहे हो? हम तो यहाँ पे भी, आपने वार्ड वासियों से भी अगर मालूम करा होगा, तो मैंने तो अपने पैसे जेब से लगा के काम कराया। मैंने आपको बताया ना, कई जगह जैसे फंड नहीं होता है तो सीमेंट का कट्टे लेके बजी, कहीं कोई रह जाता तो उसमें से भी लेके अपन ने काम कराए, लेकिन ये नई एकदम ही सुनने में भी मेरे को भी आया। और हालांकि कल वो फाग महोत्सव था, उसमें भी वो आज के अखबार में पढ़ा मैंने, हालांकि मैं लेट पहुंचा था, उस समय भी कोई तीसरे की बैठक में गया हुआ था लेकिन लेट पहुंचा था, तो मेरे को भी उसके सुन के उस समय अजीब ही लगा था। और मैंने बोला, यार आप ऐसे बोल रहे हो, आपको देते हैं क्या? बोले मैं तो उनके चक्कर में, वालिया जी के और उनके कोई उनकी पर्सनल आपस में होगी तो उस चक्कर में ये आपस में बोल रहे थे। चलिए, यानी कि आप सीधे तौर पे इस बात को नकार रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, आपके पार्षदों के ग्रुप के अंदर इस बार मेयर बनाने को लेकर चर्चा किसके नाम की चल रही है, किसको बनवाएंगे इस बार? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से ही बनेगा। ये निश्चित है? बिल्कुल 100%। कौन बनेगा, किसके नाम की सुबुगाहट चल रही है इस बार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे में संगठन सर्वोपरि है। पार्टी जिसको भी अगर बोलेगी वही मेयर बनेगा। ये पार्टी लेवल का काम है तो उनके ऊपर ही, हमसे ज़्यादा वो समझते हैं इस चीज़ को। और लोगों की भलाई के लिए जो सही होगा वो संगठन तय करेगा। यानी कि संगठन जिसके नाम को तय कर देगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद उसके साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बस हम तो संगठन के पीछे ही हैं। वंदना नोगिया, अनीता बदेल की सिस्टर, बहन, इनके नाम को लेकर चर्चा? मैंने बोला जो संगठन बोलेगा ना उसी को ही, यानी हम संगठन से हटके अभी कोई बात आप नहीं करेंगे? नहीं, हम उसी से जुड़े हुए हैं। और हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और पार्षद, मेरे को, मैं छोटा सा कार्य करता था पहले, TV वगैरह की रिपेयरिंग का वगैरह का काम था, लोगों से वैसे भी जुड़ा हुआ था। और
1990 से जुड़ा हुआ था पार्टी से, लेकिन पार्टी की नज़र पड़ी, संगठन की नज़र पड़ी तो मेरे को पार्षद का टिकट दे दिया। लोग बाग पहले तो जब लोगों को शक्ल मेरी देखी तो उन्होंने बोला इसको ही देंगे। उस समय भी ये जो जिसको मैंने हराया था वो कांग्रेस में मेयर की दावेदार थी, अच्छा उसको हराया था मैंने। तो पार्टी जिसको भी, संगठन जिसको भी करेगा हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे और सभी उसको ही बनाएंगे। अच्छा आप निश्चित हैं कि मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा? 100% स्टाम्प पे लिख सकता हूँ मैं 100% कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का बोर्ड दोबारा से बनेगा। चलिए कौन बनेगा मेयर शो में आप हैं, हमको ये बताइए कि कौन बनेगा मेयर शो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, मैं तो चाहता हूँ लोगों को मालूम तो पड़े कौन पार्षद काम करता है कौन नहीं करता है। तो और आप जनता से, पार्षद को भी नहीं मत लो आप, मैं तो मैं तो चाहूँगा भले आप मेरे को भी नहीं लेते, लोगों से पूछते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन हालांकि मैं तो फिर भी आपसे काफ़ी दूर था तो आपने लोगों से बात करी, अच्छा है। चलिए कौन बनेगा मेयर शो में आज के लिए केवल इतना ही। आपके वार्ड में भी आने वाले हैं आपके वार्ड पार्षद के साथ और देखेंगे आपके वार्ड की तस्वीर कि कितनी वार्ड पार्षद ने उसको बदल के रख दी है। आज के लिए केवल इतना ही। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477733। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर। ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर।